2019 होने वाला है एक्शन हीरोज के नाम। जी हाँ दोस्तों, 2019 में आपको देखने को मिलेगी बैक टू बैक एक्शन मूवीज। तो चलिए देखते हैं 2019 में कौन कौन सी एक्शन मूवी आ रही है। अब दोस्तों 2019 की एक्शन मूवीज की बात करें तो यहाँ आपको 2019 की शुरुआत में ही विकी कौशल की उड़ी देखने को मिलेगी, जो 11 जनवरी को आ रही है। और फिर आपको 25 जनवरी को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी देखने को मिलेगी। और फिर आएगी 8 फरवरी को सोनचरिया, जिसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर दिखेंगे। फिर आपको 22 मार्च को अक्षय कुमार परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों एक बड़ी एक्शन मूवी की बात करें तो 5 अप्रैल को आ रही है विधु जामवाल की जंगली। और फिर 15 अप्रैल को आ रही है वरुण धवन की कलंक। और फिर 21 जून को आ रही है शाहिद कपूर की कबीर सिंह। साथ ही 15 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी जॉन अब्राहम की बाटला हाउस। और फिर आगे आपको 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की एक्शन मूवी। और 2 अक्टूबर को एक और मूवी फाइनल की गई है, जो होगी मरजावा। और इस फिल्म में आपको दिखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख। अब दोस्तों अजय देवगन की तानाजी की रिलीज डेट रखी गई है 22 नवंबर। वहीं अर्जुन कपूर और संजय दत्त की पानीपत की रिलीज डेट रखी गई है 6 दिसंबर। और 2019 की आखिरी एक्शन मूवी होगी ब्रह्मास्त्र, जो आ रही है 20 दिसंबर को। तो दोस्तों ये थी 2019 की आने वाली बड़ी एक्शन मूवीज। और दोस्तों इन एक्शन मूवीज में से आप किस एक्शन मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।